बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कल हमारी एक शादी का फंक्शन आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लिया जाए। वहाँ के आपको रेस्टोरेंट भी दिखाता हूँ और साथ रिव्यू भी देंगे इंशाल्लाह कि कैसा इसका टेस्ट है। तो बड़ा मज़े का आज ब्लॉग होने वाला है, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो बिला तखीर अब चलते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम हम हकीम हदमई रोड से ख्वाजा सफदर रोड की तरफ टर्न लेने लगे हैं। तो आज जो शॉपिंग करनी है, रास्ते में ब्रांड्स विलेज भी आता है और एडिव भी है और उसके साथ साथ वी मॉल भी है जहाँ शॉपिंग सेंटर्स हैं सारे। तो मेरा ख्याल है जो रेस्टोरेंट है वो ज़्यादा एडिव में है, तो ऐसा करते हैं कि वहीं जाते हैं और रात की रौनकें भी आपको दिखाते हैं वहाँ की। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर आप ब्रांड्स विलेज देख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं जी, एडिव ही चलते हैं। तो यहाँ से हम जैसे ही शेल पेट्रोल पंप आएगा तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे जी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले व्लॉग में भी आपको बताया हुआ है कि रास्ता कौन सा जी एडिव का। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चेक पोस्ट आएगी, यहाँ पे लाजमी आपने आईडी कार्ड अपने पास रखना है और अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो हेलमेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपको एंट्री देंगे जी वो कैंट एरिया की, ये देख सकते हैं। जैसे ही हम चेक पोस्ट से आगे आएंगे तो ये चौक मिलेगा जी, जहाँ ये टैंक है जी पाकिस्तान आर्मी का। यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह इधर अब सिग्नल ऑफ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ये चौक का यानी व्यू। काफ़ी बड़ी एलसीडीज लगी हुई हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह जैसे ही सिग्नल ओपन होता है तो फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एडिव आ जाएगा। मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ये ले जी सिग्नल जो है ओपन हो चुका है, तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही आप आगे आएँगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्टोरेंट यहाँ मिलेंगे, जिसमें ये जी फ्रेंगोस कैफ़े है, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है ये भी। कभी इंशाल्लाह इसका भी विज़िट करेंगे, आपको रिव्यू दूंगा इसका भी। मैकडोलेंड भी आपको यहाँ मिलेगा, सियालकोट का एक ही ब्रांच है मैकडोलेंड की जो एडिव में है। तो बाकी शॉपिंग सेंटर्स आपको काफ़ी मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज हम कुछ शॉपिंग भी करने आए हैं और साथ आपको रिव्यू भी देंगे, देखते हैं आप कोई देसी खाना खाएँगे कि फ़ास्ट फूड खाते हैं। तो इंशाल्लाह जाके आगे देखते हैं जी। ये अभी मैं एंटर होने लगा हूँ एडिव में। ये राइट साइड पे आप देखेंगे जलाल सांस और आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ खाने पीने की। तो ये जी हम एंट्री ले रहे हैं जी, जहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, ये देख सकते हैं। ये एडिव कहलाता है जी सियालकोट का, जो कि कंट्रोलमेंट एरिया में वाक़ है। काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिलेंगे, फ़ास्ट फूड के भी, देसी खानों के भी, बट कढ़ाई वगैरह अगर आपने खानी है, बारबेक्यू खाना है, तो आपको तमाम जो वैरायटीज़ है यहाँ एक जगह से मिल सकती है। तो इस वजह से मैंने ऑप्शन यही चूज़ किया कि यहीं चलते हैं और यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं। सबसे पहले काफ़ी पार्किंग एरिया जी यहाँ पे। तो ये सामने आप देख सकते हैं बट कढ़ाई, रोस्टर कढ़ाई, काफ़ी आपको बारबेक्यू की वैरायटीज़ भी यहाँ मिलेगी। तो ये देख सकते हैं सिटिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है इनका, जो फैमिलीज़ के साथ भी अगर आप आते हैं तो बड़ा अच्छा यानी एटमॉस्फेयर है यहाँ का, कि आप आराम से खाना वगैरह खा सकते हैं। ग्रिल एंड थ्रिल, ये बारबेक्यू का है, प्योर बारबेक्यू आपको यहाँ से मिलेगा तमाम आइटम्स जो हैं। तो ये देख सकते हैं जी, शॉप्स भी आपको मिलेंगी यहाँ शॉपिंग के लिए। मिनी मैक्स भी हमने जाना है, पहले यहाँ चलते हैं। मिनी मैक्स से आपको बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, टेडी बेयर्स आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे टेडी बेयर्स हैं यहाँ पर। और आपको बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह और ब्रश, हेयर ब्रश जो हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे जी। ग्लासेस अगर आपको चाहिए तो वो भी, बच्चों के ग्लासेस भी, बड़ों के ग्लासेस भी हैं, सनग्लासेस, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, बड़े प्यारे माशाल्लाह सनग्लासेस हैं इनके पास, इम्पोर्टेड हैं इनके पास तमाम चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेड हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा रैक है जी ग्लासेस का। तो ये कैश काउंटर है इनका और यहाँ से आपको मोबाइल एसेसरीज भी मिल जाएंगी, आईफोन वगैरह की या मोबाइल दूसरे सैमसंग की। ये आप देख सकते हैं जी, ये एसेसरीज़ हैं, अगर आपको कोई चार्जर वगैरह, हैंड्स फ्री वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो हमने भी ये आपको जी हेडफोन्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो शॉपिंग हमने कर ली है, तो अब वापस चलते हैं बाहर। तो ये देखें जी, बाहर आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी जो कि आप जहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। मिनी माइनर्स बच्चों का ब्रांड है जी ये, बच्चों की आपको यहाँ से मिल जाएंगे कपड़े वगैरह। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पर जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो असेंशिया भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये सामने असेंशिया है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस होती है असेंशिया की, दूसरे यानी काफ़ी महंगे हैं ब्रांड्स। तो देखते हैं जी और मज़ीद शॉप्स भी इंशाल्लाह यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो ये एडिव मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, ये देखें ये भी शॉप्स हैं, बुक पॉइंट भी है यहाँ पर, बुक सेंटर।
तो यहाँ से हम थोड़ी सी मज़ीद शॉपिंग करते हैं जी। बेबी गारमेंट्स की काफ़ी शॉप्स हैं, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ डिस्काउंट भी चल रहा है जी, फ्लैट 30%। तो देखते हैं अंदर जाके, यहाँ से भी कुछ अगर पसंद आता है तो ख़रीद लेते हैं। ये देख सकते हैं जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैराइटीज़ है, तमाम साइज़ के बच्चों की यहाँ से भी हमने शॉपिंग कर ली है। तो अब चलते हैं जी आगे। ये सुपर किड्स भी बच्चों का ब्रांड है, यहाँ से भी आपको बच्चों के कपड़े मिल सकते हैं। इस्माइल है यहाँ पे, वहाँ भी काफ़ी बड़ी शॉप है जी ये, और इनके भी प्राइजेस काफ़ी रिजनेबल होती हैं। तो मैं आपको वो पॉइंट्स दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको इजीली और कम प्राइस पे जो है शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो अब इस्माइल हम जाते हैं जी अंदर, ये देख सकते हैं जी इनके भी रैक्स वगैरह बड़े अच्छे कपड़े हैं इनके भी, और प्राइजेस जो है रिजनेबल हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों वैराइटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। तो शॉपिंग हमने ऑलमोस्ट कर ली है, अब कुछ खा पी लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जी फास्ट फूड, यहाँ एक बर्गर लैब का नाम से जी शॉप है, तो इनके आज ट्राई करते हैं। मैंने वैसे पहले कभी ट्राई नहीं किया, तो आज देखते हैं इनका कैसा टेस्ट है। काफ़ी अच्छी खूबसूरत इनकी ये फ्रेंचाइज़ है। ये देखिए जैसे ही एंटर हुए हैं सामने आपको मेन्यू मिल जाएंगे जी, LCD के ऊपर भी जो सा आपका पसंदीदा मेन्यू है आप वहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट। तो आपको मैं मेन्यू इसका दिखाता भी हूँ, ये देखें ये इसमें मेन्यू तमाम जो लिखा हुआ है जी, जो जो चीज़ें आप इनके पास अवेलेबल हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देख सकते हैं आप। और बड़ा अच्छा व्यू है बाहर का, एडिब का, बड़े अच्छे पॉइंट के ऊपर इनकी ये फ्रेंचाइज है जी। ये मैं आपको पूरा अंदर से दिखा रहा हूँ इस टाइम, बर्गर लैब येलो एंड ब्लैक कम्बिनेशन के साथ उन्होंने सारी सेटिंग की हुई है। और बाहर से ये देखें व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू लगता है बाहर से, आपको सामने बट कढ़ाई वगैरह और देसी खाने वगैरह मिलेंगे जी, ये देख सकते हैं आप। तो आज हमने सोचा कि बट कढ़ाई तो काफ़ी खाई है, लेकिन आज ये भी टेस्ट करते हैं इनका। बर्गर लैब पर हम आ जाए हैं, आपको रिव्यू भी देता हूँ। सबसे पहले हम ऑर्डर कर लेते हैं जाके। लें जनाब, हम ऑर्डर कर चुके हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारा ऑर्डर रेडी होते हुए, तो अब थोड़ा वेट करते हैं। लें जनाब, ऑर्डर हमारा रेडी हो चुका है और आ चुका है। ये हमने डील करवाई थी जी, 2 बर्गर्स, 2 जिंगर बर्गर्स, 7 फ्रेंच फ्राइज़ हैं और 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं जी। ठीक है जी, अब देखते हैं, टेस्ट करते हैं। लुक तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह प्यारी लग रही है देखने में, तो अब टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही प्यारे और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं जी बर्गर इनके। तो अब ट्राई करते हैं, फिर आपको मैं रिव्यू भी देता हूँ कि इनका कैसा है बर्गर, ताकि तब आप आइएगा इनके पास अगर आपका दिल करे तो। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। माशाल्लाह बहुत ही आला, बहुत मज़े का बर्गर है जी, और बैठने की जो जगह है इनकी सिटिंग एरिया मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, और जो फूड का टेस्ट है वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था। तो अब वापस चलते हैं जी बाहर। जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको देसी खाने मिलेंगे जी, ये सामने आप देख सकते हैं, और चाय भी बड़ी अच्छी यहाँ से मिलेगी आपको। तो अब ऐसा करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखाता हूँ कि किस रास्ते से आपने एग्ज़िट लेना है जी एडिव से। तो ये देखें जी, ये एग्ज़िट है जी एडिव का, ये मस्जिद आपको बड़ी प्यारी मिलेगी लेफ़्ट साइड पर, अगर आप नमाज़ वगैरह पढ़ना चाहें तो यहाँ से नमाज़ भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी करीब है ये मस्जिद। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ये जनाब हम अब वापस जा रहे हैं, तो ये उसी चौक में हम आ चुके हैं जहाँ ये टैंक, पाकिस्तानी आर्मी का टैंक आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको शॉप्स भी दिखाई हैं एडिब की, और साथ बर्गर लैब, वहाँ एक फास्ट फूड की शॉप है जो बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बर्गर था उनका, वो भी आज आपको मैंने रिव्यू दिया है उसका। तो इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।